Assalamualaikum guys. अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, खाला पूछने आ गई कि जाग रही हूँ। यस मैं जाग रही हूँ, क्योंकि अभी जो है वो सहरी का टाइम हो चुका है और सहरी बनाई जा रही है। सो थोड़ी देर बाद जाके देखते हैं कि सहरी में क्या बन रहा है। हम लोग मूवी देखने लग पड़े हुए थे और हमें पता नहीं था उबैद की बर्थडे भी थी। हम लोग मूवी देखते रहे, मूवी से बस फारिग हुए तो फिर ऑलमोस्ट सहरी का टाइम हो गया था। सोए तो नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी अब्रिश लुक सहरी बना रही है। सो अभी जाके थोड़ी देर में हम देखेंगे कि क्या हो रहा है फाइनल। चलते हैं, देखते हैं इसके बाद क्या होता है। मेरे साथ अजीब सीन है, मैं तो मतलब ज़रा सा भी अगर मतलब थोड़ा सा भी पानी ना पीऊँ तो मुझे ना यूज पिंपल्स निकल आते हैं ये बात, ठीक है। पानी पिया करें, बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। भाई मेरी पता नहीं ये मशवरा पे, इस मशवरे पे मैं खुद क्यों नहीं अमल कर पाती। सीरियसली मुझे याद ही नहीं रहता कि पानी पीना है। माय गॉड, बाहर जो मज़े की ठंड है, लिटरली कांट एक्सप्लेन। मतलब कि ऐसी ठंड है जैसी हमारे यहाँ नवंबर दिसंबर में होती है, सहरी के टाइम ठंड है। अभी जाके देखते हैं कि वो लोग सहरी में क्या बना रहे हैं। ओके लेट्स गो, लाइट बंद करते हैं यहाँ से। चलते हैं। माय गॉड, क्या बनाया जा रहा है क्या बनाया जा रहा है? सहरी बनाई जा रही है। ओ वाओ, ये रहे क्या कहते हैं पेड़े, आटा एंड रोटियां। और माँ मैडम बना रही हैं सहरी। गुड यार, बहुत सख्त सर्दी है यार, बहुत सख्त सर्दी है बाहर तो, पता है। अब हम सहरी का करेंगे वेट, सहरी बन रही है। और इसमें कैसे रखूंगी, सहरी में क्या क्या बन रहा है जी? क्या बनी में? मक्खन वाली रोटी। मक्खन वाली रोटी, आहा। और साथ में सालन में क्या है? मटन कढ़ाई है। नहीं, बीफ है। बीफ है, ओके बीफ है जी। साथ साथ में लस्सी वाला साग। ओह माय गॉड, लस्सी वाला साग भी और साथ में लस्सी भी, मजा आने वाला है भाई। यार कैसे पहले पहले ऐसे ऐसा था ना कि मैं सहरी बिल्कुल भी नहीं करती थी, आदत ही नहीं थी भाई। मुझे तो मौत पड़ जाती थी सहरी के नाम पे, मतलब पराठा ना भाई ना, पराठा तो मुझसे नहीं खाया जाता था। लेकिन अब इस रमज़ान में, इसी रमज़ान में मैंने खाने की आदत बनाई है, पराठे की आदत बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह से बन गई है। आजकल मैं भी पराठा रोटी खाती होती हूँ। पहले ऐसा होता था कि मैं एक एप्पल पे भी जो है वो रोज़ा रख लेती थी, तो रोज़ा तो हो जाता था लेकिन लोगों को दिखा दूं कि हाथों पर रोटी कैसे बनाई जाती है। अच्छा तुम्हें पता है मुझे हाथों किस तरह रोटी बनानी है? मतलब उस पे आती है वो जो यूं यूं करते हैं बेलना रख के। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारे छोटे से पैकेट में बड़ा धमाका बहुत ही अच्छी रोटी के साथ हाजिर है। और इनका तवा किस तरह का है?
वेलकम बैक टू माय चैनल। हम दोबारा वापस आ चुके हैं और अभी बज रहे हैं यहाँ के तीन दिन के तीन, यहाँ के तीन का क्या मतलब, जैसे मैं इंग्लैंड में हूँ, मजाक को करें इग्नोर। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़ा वगैरह हमने रख लिया था, सहरी जो है वो आपको दिखाई थी मैंने, और अभी हम यहाँ से निकलने लगे। और यहाँ का जो पीछे का व्यू है वो बहुत ही मस्त मस्त है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लाइक मेरी आंखें जो देख रही हैं शायद वो कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा क्योंकि जो छोटे छोटे से है ना इस वजह से, लेकिन पीछे का व्यू बहुत मज़े का है, हमें बहुत मज़ा आया। और अभी हम जाने की तैयारी में हैं, जाते हैं। ही मारती यार ये इस गौ माता से डर रही थी, गौ माता। हे ब्यूटीफुल, सो अभी हम जा रहे हैं। कहाँ से जाना, नीचे से? ये वाला व्यू कैप्चर हो रहा है, राइट। सो यार मरी के ना दरख्तों की एक ये बड़ी बात है, लंबे लंबे से होते हैं ना नहीं ये भागी जा रही है, एक गई। सो हाय यार हम वापस आ चुके हैं और अफ्तारी का टाइम बहुत ही नज़दीक है, इस वजह से हम सैफरन आए हैं। सैफरन में अभी हम बैठे हैं अफ्तारी के लिए, देख सकते हो कि हम आगे अभी चल रही है और सैफरन वाले जो हमें खुद से दे रहे हैं वो है शरबत और जूस है और खिचड़ी है, ताकि हमने प्लेटर वगैरह ऑर्डर कर दिया। हम अफ्तारी करेंगे उसके बाद वापस। उन्होंने हमें ये जूस दिया है, खजूरे और अफ्जा और सैफरन। प्लेटर आ चुका है, ये हम करेंगे इसके साथ अफ्तार, उसके बाद हम खाएंगे बिरयानी।